अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरे तहे दिल से दुआ है, खुश रहो, आबाद रहो। ये मैंने पानी एक कप गरम कर दिया है। मैं आज बना रहा हूँ चटपटा मैगी, बहुत ही टेस्टी यमी। और आज बड़े भी छोटे बन जाते हैं बच्चों की तरह, तो आज बड़े भी खाएंगे मैगी। तो देख लीजिए आप लोग, मैंने पानी गरम कर दिया है यहाँ पे, एक कप मेरा पानी गरम हो गया है। तो ये थी मैगी, चटपटा चिकन मैगी, बहुत ही यम्मी है चटपटा चिकन मैगी। तो ये एक मैंने पैकेट लिया था, तो काफ़ी हो जाएगा दो लोगों के लिए, बहुत ही काफ़ी है माशाल्लाह। और आप सुनाओ, आप सब कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अगर मेरी मैगी वाली रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे, अब मैं इसमें जो है ना, ये एक शाशे जो है ना मसाले का मैं ऐड करूँगा इसमें, चटपटा। ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही। और यहाँ पे बारिश के बाद जो है ना, इतनी गर्मी बढ़ गई है, आप लोगों को क्या बताऊँ। और इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, और बस आप लोगों को क्या बताऊँ। पहले बारिश के बाद 2 दिन ठंड हो गई थी, तो आज थोड़ा सा मौसम सही है, हवा चल रही है माशाल्लाह। अभी भी हवा चल रही है, रात से हवा चल रही है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा मौसम है। पर लेकिन कल इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं गर्मी बयान नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैंने जो है ना, मैगी बहुत ही अच्छी और यम्मी टेस्टी बनती है। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला था, और तकरीबन, क्योंकि जब मैं ना पानी ज़्यादा डालूँगा तो इसका जो है ना टेस्ट और जायका जो है ना वो चला जाएगा। इसमें जो है ना पानी कम डाल के फिर इनको पकाया जाता है हल्की आंच पे, तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी और जो है ना चटपटा बनती है। अगर इसमें पानी ज़्यादा डालोगे ना, तो इसका जो है ना टेस्ट जो है ना ख़राब हो जाएगा, तो ये जो है ना खाने में मज़ा नहीं देगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आप लोग जब बनाए अपने बच्चों के लिए, तो आप इसमें 1 कप, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर में, तो आप दो इस्तेमाल कर सकते हो मैगी, तो फिर भी उसमें 2 कप पानी ऐड कीजिएगा। जो है ना एक ये मसाले के जो है ना शाशे है ना ये वाला, तो ये जो है ना 1 ही कप में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा पानी डालोगे तो ये जो है ना जायका चेंज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं देगा खाने में। तो चटपटा वैसी जो है ना बहुत ही अच्छा यमी होता है, आप लोगों को भी पता ही होगा, पर लेकिन मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही यमी टेस्टी बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खुश रखे और बड़ों को भी खुश रखे, ये बड़ों के भी खाने के लिए है। मैगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पक चुकी है, तो अब इसमें जो है ना डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी है, तो चलिए इनको डिश आउट करके फिर दिखाते हैं आप लोग। अगर मेरी आज की जो है रेसिपी मैगी वाली अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करके बताइएगा, और फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।